मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंटी एजिंग के ऊपर, एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बताओ, एंटी एजिंग सीरम के बारे में बताओ, फाइन लाइंस जिससे हट जाए, रिंकल्स जिससे हट जाए। तो डियर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो क्यों आते हैं, मे बी मेरी एज 30+ है इसलिए। इंस्टाग्राम पे भी आते हैं एंड जीमेल में भी एंड यूट्यूब पे भी, जीमेल मतलब पर्सनल, मुझे मेल भी करके कुछ लोग पूछते हैं। तो डियर आज एक ऐसी ही मैं क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो होगी एंटी एजिंग क्रीम। एंड बाय द वे एंटी एजिंग सीरम मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, आप देख सकते हो। ये है सेंट बोटैनिका का विटामिन सी सीरम, इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वन ऑफ द बेस्ट सीरम है। आई एम यूजिंग दिस क्लियरली, आप देख सकते हो क्वांटिटी, आई होप यू कैन सी आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी खत्म हो चुकी है मेरी। आई एम यूजिंग दिस सीरम, बेस्ट सीरम है, एंटी एजिंग सीरम, मुझे बहुत पसंद आया। तो सेंट बोटैनिका की ही एंटी एजिंग क्रीम है, क्योंकि अगर कुछ लोग सेम ब्रांड के यू नो फॉलो अप करते हो तो एंटी एजिंग एरा सीरम, तो अब इसके बाद आपने कौन सी क्रीम लगानी है एंटी एजिंग क्रीम, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक एंटी एजिंग क्रीम एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सेंट बोटैनिका। यह है सेंट बोटैनिका का प्योर रेडियंस एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम एंड इसके अंदर डियर बहुत कुछ डाला हुआ है। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं जितनी मुझे नॉलेज है, इसके अंदर लाइक SPF 25 PA++ तो डाला ही हुआ है, हेयालुरोनिक एसिड डाला है जो आपके एंटी एजिंग में मेन माना जाता है कि हेयालुरोनिक एसिड अगर किसी चीज में है तो मतलब वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। तो आप ये वाले इंग्रेडिएंट को जरूर चेक किया करो अपने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में। तो डियर इसके अंदर ये है पैकेजिंग, आप देख सकते हो इनकी, तो इसका मैं आपको पूरा फुल फ्लेज अभी रिव्यू शेयर करूंगी एंड आपको मैं इसका डेमो भी शेयर करूंगी, लगा के दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूं, मैंने अभी अभी एक स्क्रब का रिव्यू शेयर किया, ये है सेंट बोटैनिका का विटामिन सी ई एंड हेयालुरोनिक एसिड ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। तो डियर इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है, सेंट बोटैनिका का फेस वॉश का भी मैं एक रिव्यू शेयर कर चुकी हूं, तो डियर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका भी। पूरी एक सेंट बोटैनिका की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना। फेस वॉश करना है, स्क्रब अप्लाई करना है आपने, सीरम अप्लाई करना है आपने, उसके बाद आपने लगानी है ये क्रीम। आप लोगों के मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ना एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज करने का, तो बस ये है प्रोसेस पूरा। तो दिस चलो आज फिर मैं इसका फटाफट से इसका रिव्यू शेयर करूंगी एंड उसके बाद फिर आप इसका डेमो देखना। ये है सेंट बोटैनिका की प्योर रेडियंस एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम, देख सकते हो आप। ये आपको फॉर्मिंग करेगी आपकी स्किन को, हाइड्रेटिंग करेगी, टोनिंग करेगी, रीजेनरेटिंग करेगी एंड SPF 25 PA++ इसके अंदर डाला हुआ है विथ रेटिनॉल मैट्रिक्सिल 3000 COQ10 विटामिन सी एंड हेयालुरोनिक एसिड। ये इतना कुछ डालो कि इसमें से आधी चीजें मुझे खुद नहीं पता वो क्या है। तो 50 ml की ये क्वांटिटी दी हुई आपको फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, डेफिनेटली डियर ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, सारी स्किन टाइप पर इसको लगा सकते हैं। पैकेजिंग आप देख सकते हो डियर, गोल्डन कलर की इसकी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड की एंड अच्छी वाली लग्जूरियस वाली पैकेजिंग है। थोड़ा सा आपको प्राइस वगैरह मैं आपका इसका बता दूं, 1499 मतलब 1500 रुपए का ये क्रीम है, नाइट क्रीम है, 1500 रुपए की एंटी एजिंग क्रीम है और मैन्युफैक्चरिंग हुई थी इसकी अक्टूबर 2018 में, एक्सपायर कर जाएगी सितंबर 2020 में, 2 साल आपको इसके मिल जाएंगे। 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी दी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बाकी डेयर इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं आप एक बार थोड़ा सा इनको रीड करो, स्वीट आप देख सकते हो यहाँ से जो ये सारी चीजें डाली है वो मैं आपको नहीं रीड कर रही। यहाँ पे स्वीट एलमंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डाला हुआ है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला है, ऑरेंज ब्लॉसम एक्सट्रैक्ट डाला है, ओटमील एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जाइंट पोटैटो एक्सट्रैक्ट डाला है, मोरक्कन आर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डाला है, येलो नाइट शेड एक्सट्रैक्ट डाला। तो डियर इतनी सारी चीजें इसके अंदर डाली हुई है एंड अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये कंपनी क्लेम करती है वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर रीड करें। कंबाइंस द टाइम टेस्टेड बेनिफिट्स है इसके रेटिनॉल के, हेयालुरोनिक एसिड के, CO Q10 विटामिन सी, आर्गन ऑयल, स्वीट एलमंड ऑयल विथ प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है डियर, टुगेदर विथ प्रूव करेगा आपको, मतलब ये प्रूवन है कि आपको ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको लगाने से आपकी ब्लेंड डीपली आपकी हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी स्किन
रीन्यू हो जाएगी, डिफेंड स्किन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, एजिंग नहीं होगी आपकी स्किन के ऊपर, आपकी फाइन लाइंस अंदर रिंकल्स बिल्कुल रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, जो एज के साथ जो स्पॉट्स नहीं आ जाते डियर वो भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और फॉर्म टाइट हो जाएगी, लटकेगी नहीं, सैगिंग जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होगा। एंड इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें डाली हैं, को एंजाइम Q10, अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है डियर, ये हेल्प करता है सेल्स को प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल ग्रोथ, नए नए सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है आपकी स्किन को। एंड रेटिनॉल जो डाला होता है फाइट करता है साइंस ऑफ एजिंग को, लीविंग योर स्किन स्मूथ सॉफ्ट एंड ग्लोइंग, आपकी स्किन स्मूथ सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाएगी। हेलुरोनिक एसिड जो डाला हुआ है डिमिनिश द अपीयरेंस ऑफ द फाइन लाइंस एंड द रिंकल्स बाय डीपली हाइड्रेटिंग स्किन, स्किन को हाइड्रेट रखता है हेलुरोनिक एसिड और इस वजह से आपके जो फाइन लाइंस होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब कम होने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B3, C, and E ब्राइटन करेगी, इवन टोन करेगी आपकी स्किन को। आर्गन एंड एलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल और एलमंड ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है, ऑफर करेगा आपको स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज, जो आपके फाइट करेगी अगेंस्ट द साइंस ऑफ द एजिंग, हाइड्रेट करेगी, नरिश करेगी स्किन सेल्स को और नए नए सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आप अचीव कर सकते हो रेडियंट सॉफ्ट एंड रिफ्रेश्ड स्किन। तो चलो डियर, इसके ऊपर जो लिखा था मैंने आपको सब कुछ रीड कर दिया है। डायरेक्शन क्या है डियर, क्रीम है तो आपको इसको क्रीम की तरह ही अप्लाई करना है, आपका फेस साफ होना चाहिए। अभी मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी। और इन्होंने एक और चीज लिखी हुई है कि आपको अगर बेस्ट वाला रिजल्ट चाहिए तो आपने सबसे पहले फेशियल क्लेंजर फेस वॉश करना है सेंट बोटैनिका के फेस वॉश से, फिर आपने यूज करना है सीरम, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी डियर वीडियो में अभी डेमो में, उसके बाद आपने ये वाली क्रीम लगानी है। और ये करेगी क्या, वाइट करेगी, आपका रंग रूप साफ करेगी एंड प्रोटेक्शन देगी सन के अगेंस्ट, ऑब्वियस इसमें SPF 25 डाला हुआ है, डीप मॉइस्चराइजेशन करेगी आपके, बिल्कुल हाइड्रेट कर देगी आपकी स्किन को। बहुत हो गया इसका लंबा सा रिव्यू, फटाफट से इसको ओपन अप करते हैं। पैकेजिंग आप इसकी देख ही सकते हो कितनी सही वाली पैकेजिंग है, जैसे डियर इसके जो स्क्रब की पैकेजिंग थी बिल्कुल वैसी इन्होंने ये वाली पैकेजिंग रखी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस सी पैकेजिंग है। तो एंड एक और चीज मैं थोड़ी सी देख दूं, ये देखो डियर इसके पीछे सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इस कार्डबोर्ड को फेंकना चाहते हो तो फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एंड अगेन आपको ये लिड मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो स्क्रब मैंने रिव्यू किया था उसमें भी ये लिड वगैरह था, पैकेजिंग बिल्कुल सेम रखी उन्होंने। एंड देखो क्रीम, क्रीम इतनी सही वाली और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, बिल्कुल वाइटमिन सी की तरह फ्रेगनेंस आती है। एक्चुअली मैं स्मेल करने बैठ गई थी इसकी फ्रेगनेंस, ये देख लो डियर बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर, टेक्सचर बहुत सही वाला इन्होंने रखा है, ना तो चिपचिप करता है ना तो, मतलब हर स्किन टाइप को इन्होंने ध्यान में रखते हुए रखा है, स्किन को हाइड्रेट करता है अच्छी तरह से। लुक एट द स्किन, कितनी ब्यूटीफुली हाइड्रेटेड सी स्किन लग रही है, आप खुद देख लो। एंड ये हाइड्रेशन है डियर, चिपचिप नहीं है, मैं आपको बार बार बोलूंगी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको कैसे, इसका जो प्रॉपर वे है यूज करने का, कि पहले फेस वॉश करना है एंड देन अपने सीरम अप्लाई करना है, फिर आपने ये वाले क्रीम करनी है, तो चलो उसको देखते हैं। जब भी आप कोई क्रीम लगाते हो तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आप देख सकते हो राइट नाउ मेरा फेस बहुत ज्यादा डर्टी है, मैंने अभी अभी अपने एक लास्ट वीडियो के लिए ये वाली क्लिप शूट की थी, मैंने अपना मेकअप उतारा था और फेस वॉश किया था, तो जस्ट डियर वो छोटी सी क्लिप है वो आप लोगों के लिए इंसर्ट कर रही हूं मैं। बाय द वे ये वाला फेस वॉश भी सेंट बोटैनिका का ही है, एलोवेरा वाला, ओरिएंटल बोटैनिक्स इसका नाम है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बहुत सही वाला फेस वॉश है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसको खरीद लो, अगर आपके पास कोई और फेस वॉश है तो डियर डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर लेना। तो अच्छी तरह से देखो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, अब बारी आती है आज की वीडियो के बारे में। तो डियर आज देखो मेरा फेस पहले तो क्लीन हो चुका है, क्रीम लगाने से पहले मैं लगाती हूँ सेंट बोटैनिका का सीरम, अगर आप इस सीरम को लगाते हो और साथ में क्रीम लगाते हो तो आपको डेफिनेटली डियर डबल रिजल्ट मिलेगा, जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड टचवुड मुझे ये वाला सीरम भी सूट कर गया, एंड कई बार होता है डियर काफ़ी हम अच्छी और महंगी चीज़ें ले लेते हैं सूट नहीं करती, तो मुझे ये सूट कर गया, तो बस मुझे इसी चीज़ की खुशी है। अच्छी तरह से मैं सीरम को अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए उसको पेनिट्रेट होने दूंगी अपनी स्किन के अंदर और ड्राई होने दूंगी। तो चलो जब सीरम मेरे फेस के ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है तब मैं लगाऊंगी ये वाली क्रीम। एंड द क्रीम की स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है, फॉर ऑल स्किन टाइप से, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है, अच्छी तरह से हाइड्रेट कर देती है, मॉइस्चराइज कर देती है। आप इस क्रीम को सुबह चाहो, रात को चाहो, जब मर्जी चाहो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
अच्छी तरह से बस आपने इसको स्प्रेड करना है एंड आप देख सकते हो बाद में स्किन का टेक्सचर शाइनी शाइनी सा हो जाता है, तो इसको तो मैं रिकमेंड करूंगी एंड अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको बाय करना। अब आपने इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी देख लिया एंड आपने इस प्रोडक्ट का डेमो भी देख लिया, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। जो लोगों की एज थोड़ी सी अब 25 से ऊपर होनी शुरू हो चुकी है, तो आप पहले ही अपने ऐसे ना एंटी एजिंग सीरम्स एंड एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह को लगाना शुरू कर दिया करो, ताकि जब तक आप यू नो आपकी एज 30+ हो जाए तो इतना आपकी एज का पता ही ना चले। तो ठीक है, वैसे ही जैसे आई एम 30+ एंड मुझे काफी लोग कहते हैं आपकी एज का पता नहीं लगता, बाकी आई डोंट नो सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, तो जो भी है डियर, तो इस प्रोडक्ट को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। मुझे इधर काफी सारे कमेंट्स आते हैं, तो डियर आप इसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा प्राइसी आपको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आपको डिस्काउंट भी इसके ऊपर अच्छा खासा मिल जाएगा। परचेज लिंक्स पे आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना इसके ऊपर कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो दिस वॉज द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। एंड जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप बेल बटन को जरूर हिट किया करो, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड बाय द वे मैं डेली वीडियोज अपलोड करती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली अपलोड करने की, राइट? चलो ओके देन, बाय।